3, 2, 1. सुबह हो गई है मामू और रोड पे पहुंचे हैं एंथू साइकिलिस्ट जो पैडल पे पैडल मारे जा रहे हैं अपने साधारण साइकिल को। और अचानक इस भीड़ में एंट्री मारती है वो जो है एक में दो, जिसका नाम है बैम्बूची और ये बनी है बांस से। जी हाँ, सही सुना आपने, ये बांस से बनी है। OMG बैम्बूची। और इस साइकिल के पायलट हैं, ओहो मेरा मतलब इंजीनियर हैं, कैप्टन शशि शेखर पाठक। और उनसे मिलने मैं आ पहुंचा हूँ माया नगरी मुंबई। रीसेंट सर्वे के हिसाब से इंडिया में लगभग 1,40,000 स्क्वायर किलोमीटर लैंड पे बैम्बू उगाया जाता है, जिसपे सालाना प्रोड्यूस होता है 140,00,000 टन बैम्बू। OMG, इतना सारा बैम्बू, उतने सारे यूज़, फर्नीचर से लेकर किचन तक यूज होता है। पर किसने सोचा था कि हमारे कैप्टन साहब बैम्बू से बाइसिकल बना देंगे। हमारे लैंड में बांबू होता है और कुछ करने की इच्छा थी कि भाई हम ना इससे कुछ वैल्यू एडिशन करके कुछ बनाएंगे। पर बॉस, ये बांस की साइकिल बनाना आसान काम नहीं है। पूरे 1.5 साल लग गए शशि जी को उनकी पहली बैम्बूची बनाने में। सबसे पहले रेडी हुआ बैम्बूची का फ्रेम। पहला हमारा फ्रेम जब बन गया, उसके बाद हमने सोचा भाई इसके ऊपर अभी चीजें तो लगनी है, हैंडल लगना है, टायर्स लगने हैं। तो somebody suggested me, Mr. Faisal. फैजल ठाकुर है मुंबई के साइकिल माइस्ट्रो, यानी कि साइकिल की दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी। When I first saw the frame, I was really surprised at the quality of work that was done with the frame. इसे कहते हैं साइकिल मिलाई जोड़ी। एक ने बनाया ढांचा और दूसरे ने उसको साइकिल में सांचा और बना दी बैम्बूची। OMG! बांस से बनी है तो इको फ्रेंडली भी है, दिखती भी क्लास है और चलती भी शानदार है। एकदम मक्खन। A bamboo has a tendency of eating away the vibrations that are caused due to unevenness on the road. It does not let it come up to your body. बैम्बू नेचुरली झटके एब्जॉर्ब कर सकता है, जो दूसरी साइकिल्स में शॉक एब्जॉर्बर्स लगाने के बाद ही पॉसिबल है, क्योंकि उनमें बैम्बू के फाइबर जो नहीं है। इसके जो स्ट्रैंड की डेंसिटी है, ये यहाँ पे आउटर वॉल में सबसे ज्यादा रहती है, और जैसे जैसे हम कोर की तरफ बढ़ते तो ये डेंसिटी कम हो जाती है, तो इससे बाम्बू को एक लचीलापन आता है। फ्लेक्सिबिलिटी के साथ बैम्बूची की दूसरी और सबसे बड़ी खासियत है इसका एंड टू एंड कस्टमाइजेशन। हर एक बैम्बूची का फ्रेम कस्टमर की हाइट और वेट के हिसाब से ही बनाया जाता है। फ्रेम का डायग्राम बनाने के बाद बैम्बू सिलेक्ट करके काटा जाता है, फिर सभी हिस्सों को जोड़ा जाता है और फिर लेजर से अलाइनमेंट चेक करने के बाद बाकी के पार्ट्स की फिटिंग की जाती है और तब रेडी होती है एक बैम्बूची। मतलब आपकी जैसी जरूरत और पसंद नापसंद है, वैसी बैम्बूची आपके लिए कस्टमाइज की जा सकती है। वैसे शशि जी, इसकी कोई वारंटी शरंटी है? हमारा जो स्टार्टिंग प्राइस है वो करीबन 1,05,000 से शुरू होता है सिंगल स्पीड। अब उसमें आप अगर गियर ऐड करो तो 1,30,000-40,000। एंड वी गिव गारंटी ऑफ 7 years फॉर एनी फ्रेम विच वी मेक टुडे, बिकॉज माय फर्स्ट बाइसिकल इज 7 years ओल्ड। इको फ्रेंडली, फुल्ली कस्टमाइज्ड और 7 साल की वारंटी। OMG, व्हाट अ बैम्बूची। आई हैव रिडन इन ऑल काइंड्स ऑफ टेरेन। आई हैव रिडन दिस इन राजस्थान, I have ridden this in mountains, I have ridden in torrential rains, there is no problem. People say, ye bamboo ka bike hai, sad jayega. Doesn't, it's 3 years now. Prashant ji ne to apni seal of approval de di bambuchi ko. Lekin Shashi ji to innovator aadmi hai. Isi liye ek seedhi saadhi bambuchi se dil kaise bharta unka. Wo lagataar naye models bannate rahe. Folding, single speed, electric, geared aur unki super hit tandem bicycle. वाओ, दिमाग में एक तस्वीर बनाना और उस तस्वीर को सच कर देना, उसके लिए चाहिए शशि शेखर पाठक जैसा फोकस और जुनून। उनकी यूनिक मेड टू ऑर्डर बैम्बू से बनी बैम्बूची इज टोटली OMG।